21 वर्षीय व्यक्ति जिसने खुद को टीसी बताकर फाइंस वसूलता था, उसे रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फर्जी टीसी की पहचान 21 वर्षीय हरि ओम विजय बहादुर सिंह के रूप में हुई है, जो नवी मुंबई के एरोली का निवासी है, जहां वह अपनी बहन के घर पर रुका था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। डोंबिवली जीआरपी पुलिस ने कहा कि सिंह को सबसे पहले एक अन्य रेलवे टिकट चेकर ने स्थानीय कसारा से सीएसटी ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में यात्रियों की रेलवे टिकट को जांच करते हुए देखा था। शिकायत रेलवे टिकट चेकर प्रमोद सरगैया द्वारा दर्ज की गई थी, जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी खत्म करने के बाद उसी ट्रेन से अपने ठाणे के घर की ओर जा रहे थे। उसके व्यवहार को देखने के बाद सरगैया को सिंह पर संदेह हुआ और उसने उससे पूछताछ की। सिंह ने अपना पहचान पत्र दिखाया। सरगैया सिंह के साथ ठाणे स्टेशन पर उतरे और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले जीआरपी अधिकारी को सतर्क कर दिया। जीआरपी के मुताबिक सिंह खुद को टीसी बताता था और दीवा डोंबिवली स्टेशनों के बीच टिकट की जांच करता था। सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 170 के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना डोंबिवली क्षेत्रीय कार में होने के कारण जांच डोंबिवली जीआरपी को सौंप दी गई है।